हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस हार चुकी है। अब एचएसएससी नए सिरे से जो भर्ती प्रक्रिया अपनी पूरी करेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में 50,000 पदों की भर्ती पूरी कर लेगा। तो ये कहा है नायब सिंह सैनी, जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी और डी के जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी नौकरी सुरक्षित है, उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जल्द ये जो भर्ती है ये अब अगले 2 महीने में होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अगले 2 महीने में हरियाणा कर्मचारी आयोग लगभग 50,000 पदों की भर्ती पूरी कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को यह दावा किया है कि ग्रुप सी और डी पदों के नियुक्त उम्मीदवारों की कोई भी नौकरी नहीं जाएगी और प्रदेश सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथ लेकर भी कहा वे झूठ और भ्रम फैलाते हैं और उन्हें कोई जैसा लिख कर देता वैसा ही पढ़ देते हैं। तो ये जो भर्ती हैं यहाँ पर आप देख सकते हो आगामी 2 माह में 50,000 भर्तियाँ होंगी और ये जो भर्तियाँ अगले 2 माह में होने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और ये जो भर्तियाँ हैं ये जल्दी से होने वाली हैं अगले। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की जो नौकरी है वो सुरक्षित रहेगी, उन्हें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी तैयारी अब शुरू कर दें, अगले 2 माह में ये वैकेंसी फिल होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने पूरा कह दिया और सरकार ने एचएसएससी में 2 सदस्य और नियुक्त कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हो हिम्मत सिंह तो हैं ही, वो अध्यक्ष हैं एचएसएससी के, अब उन्होंने 2 सदस्य और नियुक्त कर दिए हैं। सरकार ने डब्वाली निवासी सुभाष चंद्र और साधु राम जाखड़ को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। तो दोस्तों अपना पढ़ते रहो, जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी फिल होने वाली है, अगले 2 माह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।